मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आया है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का ये तीसरा मामला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में रह रहे नाइजीरियाई नागरिक में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। न्यूज एजेंसी NIA ने आधिकारिक सूत्रों के आधार पर कहा कि ये दिल्ली का तीसरा मंकी पॉक्स का मामला है। इससे पहले दो और मामले सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि भारत में कुल मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। मंगलवार को दिल्ली में तीसरे मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। उसे तेज बुखार और त्वचा पर चकत्ते की शिकायत के बाद LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि संक्रमित की हालत फिलहाल स्थिर है। इससे पहले सोमवार को ही दूसरा मामला सामने आया था। नाइजीरियाई युवक में मंकी पॉक्स का वायरस मिला था। अब तक दिल्ली में मंकी पॉक्स के कुल 3 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि LNJP में ही भर्ती मंकी पॉक्स से पीड़ित पहले व्यक्ति को मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ये दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला था। LNJP अस्पताल के MD डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि हमने उस मरीज को छुट्टी दे दी है जो दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला था। उन्होंने बताया कि संक्रमित व्यक्ति को 25 दिन लगे हैं पूरा ठीक होने में और उसके सभी लक्षण अब खत्म हो गए हैं। वहीं दिल्ली में मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज भी लोकनायक अस्पताल में भर्ती है। 35 साल के जिस नाइजीरियाई नागरिक में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई थी, उसकी हाल ही में कोई विदेश यात्रा का रिकॉर्ड नहीं है। सोमवार पॉजिटिव पाए गए नाइजीरियाई शख्स को दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल के डॉक्टर सुरेश कुमार के मुताबिक मरीज के शरीर के कई हिस्सों और त्वचा पर छाले और उसे हल्का बुखार है। उसे आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा गया है और विशेषज्ञों की एक टीम उसकी देखभाल कर रही है। उन्होंने बताया कि मरीज की हालत फिलहाल स्थिर है और किसी भी चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया है कि उम्मीद है कि ये मरीज जल्द ही ठीक हो जाएंगे। गौरतलब है कि मंकी पॉक्स के बढ़ते मरीजों ने देश भर में चिंता बढ़ा दी है। सोमवार को ही मंकी पॉक्स के चलते केरल में एक मरीज की मौत हुई थी। मृतक 22 साल का युवक था जो केरल का ही रहने वाला था और हाल ही में UAE से लौटा था। युवक में मंकी पॉक्स की पुष्टि UAE में ही हो गई थी। जानलेवा मंकी पॉक्स वायरस को लेकर भारत सरकार अब अलर्ट मोड में आ चुकी है। इस वायरस की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। आपको बता दें, इस खतरनाक बीमारी मंकी पॉक्स की चपेट में अब तक 77 देश आ चुके हैं। वहीं दुनिया में करीब 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये जानलेवा बीमारी अफ्रीकी देशों में कहर बरपा रही है, जिसके चलते वहां करीब 75 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।